अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर अंदर खुश है। मैं हमको खुशी की आंसू आ जाए, खुशी से हमको हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश हैं। अदालत में भी आप लोगों का मामला अभी तक पेंडिंग चल रहा है, न्याय मिलने की उम्मीद थी? उम्मीद थी हमको भगवान पे, बहुत उम्मीद है और जो करते हैं भगवान करते हैं, आज भगवान ही की है तो ये सब हुआ है। भगवान ने न्याय कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। वर्ष 2009 में गाजीपुर तिराहे पे मन्ना सिंह की फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि ये मामला यही नहीं रुका, उसके 2 साल बाद मन्ना सिंह की गनर और उनके गवाह की भी पुराने आरटीओ के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले की जानकारी हम लेंगे, मन्ना सिंह के बेटे हैं, इनसे जानेंगे क्या था पूरा मामला और किस तरह से हत्या हुई थी। क्या नाम है आपका? कैसे घटना हुई थी, क्या और उस वक्त आपकी एज क्या रही होगी? मैं लगभग 17-18 साल का था। तो क्या क्या सोचना मैं कह सकता है, उस समय दुर्घटना हुई थी उसके कुछ समय पहले से ही उनको धमकी भरे फ़ोन आने लगे थे कि आपको काम छोड़ के हटना होगा, नहीं तो कमीशन देना होगा। और मेरे पिताजी इस बिंदु पर कभी सहमत नहीं थे कि मैं कमीशन दे करके काम करूँगा। उनका ये कहना था कि मेरा परिवार है, उनके भरण पोषण के लिए मुझे काम करना है और मैं काम करूँगा। तो स्वाभिमान को कहीं पर मैं समझौता कर। अच्छा, कभी फोन धमकी भरे फ़ोन आते आते होंगे क्या? फ़ोन से कभी हमारी तो बात हुई नहीं, हमारे पिताजी से बात होती थी तो उनको बताया नहीं जाता कि काम छोड़ के हट जाओ, नहीं तो कमीशन दो और नहीं तो तुम्हारे साथ अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता। आपके पापा की हत्या के बाद फिर लगभग 2 साल के करीब गनर थे और दवा तो उनकी हत्या करती है। हाँ, उनका ही और अपराध तंत्र के द्वारा ही लोगों के द्वारा हत्या कराई गई थी और इसलिए कराई गई ताकि अन्य जो गवाह हैं वो डर जाए, सहम जाए, वो स्टाइल हो जाए अदालत तंत्र के बाद जी। अब उसके बाद इस मामले में कोर्ट में मुकदमे भी चले और फिर शायद डिस्ट्रिक्ट जज से मुख्तार अंसारी को बरी भी कर दिया गया ताकि आपको हाईकोर्ट गए। मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है, यहाँ से साक्षियों के अभाव में जो लोग 120B में थे वो सभी लोग बरी हो गए, उनको कोर्ट में बरी हो गया। तो लोग 14 साल का दिन हो गया है, अब एक तरीके से कहा जाए ईश्वरी न्याय। जी हाँ बिल्कुल, भगवान ने न्याय किया है। कहा जाता है कि जिनके जैसे कर्म होते हैं उनको वैसा फल भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कर्मों का फल भगवान ने खुद ही दे दिया। जिनके जैसे कर्म होते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। और ऐसे में ये थे हमारे साथ मन्ना सिंह के बेटे जी, ने साफ तौर पर कहा कि वर्ष 2009 में इनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो गनर थे, जो गवाह थे, उसकी भी 2 साल के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज ने तो मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट में मुकदमा अब चल रहा है। फिलहाल 14 साल के बाद मन्ना सिंह के परिवार को ईश्वरीय न्याय मिला है, ऐसा इनका कहना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।